गौमूत्र के सेवन से अब नहीं होगा कोरोना। सिर्फ कोरोना ही क्या, बल्कि इसके सेवन से आपको कोई बीमारी नहीं होगी। ये मैं नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं। आइए पहले आपको पूरी बात सुनाते हैं। अब आधे घंटे तक कुछ भी लेना नहीं, बस इतना ही परहेज इसमें करना है। और एक ही रोग में नहीं, तमाम रोगों में, हार्ट इस रोग में ज्यादा से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हार्ट का एकदम सुपर पावर दवा है ये, आप पी करके देखिए। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके देखिए, हो सकता है कि इस दुनिया का एक संदेश बैरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से ही जाएगा और इस कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने में सबसे बड़ा कारगर उपाय होगा वो जो है गोमूत्र या गोधन अर्क होगा। यही प्रार्थना करते हुए मैं बात पर दूसरी बात भी आप इन जनाब का बस इतना ही कहना था, फिर क्या, लोगों ने ले ली जम के क्लास इनकी। इसी पे निशाना साधते हुए पहले यूजर ने लिखा, ऑक्सीजन की जगह गौमूत्र का टैंकर मंगवाना पड़ेगा अब तो। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, इस लपरझटिस विधायक को 4 बाल्टी गौमूत्र पिलाए, मतलब इसने जब भी मुंह खोला तो गंध ही निकला। पता नहीं जनता ने कैसे कैसे को अपना बहुमूल्य मत देकर जिताया है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर साइंस एंड रैशनैलिटी इज इंसल्टेड एंड अंडरएस्टिमेटेड सो मच। आई थिंक गवर्नमेंट शुड बैन साइंस सब्जेक्ट इन स्कूल एंड कॉलेज नाउ, व्हाई टू लर्न साइंस। वहीं एक और यूजर ने ट्वीट करके जवाब में लिखा, यार नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ को टैग किया और लिखा, व्हाई स्पेंड ऑन वैक्सीन व्हेन वी हैव काउ यूरिन। वहीं एक और यूजर ने लिखा, इनके पास गौमूत्र और गोबर के अलावा कुछ नहीं है, दिमाग में भी गोबर ही भरा है। खैर इन्होंने तो वही करना है जो इन्होंने सोच रखा है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इन्हें वोट आखिर मिल कैसे जाती है। आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।